नमस्कार दोस्तों, ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार को राहुल गांधी ने वायनाड से दोबारा नॉमिनेशन पत्र जो है वो दाखिल कर दिए। एक रोड शो भी किया और रोड शो में जो कुछ हुआ उसमें कुछ गलत कारणों से चर्चाएं भी हुई, लेकिन एक प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्न ये है कि साहब अमेठी का क्या होगा या रायबरेली का क्या होगा, क्योंकि सोनिया गांधी तो रायबरेली से नहीं लड़ रही हैं, वो तो अब राजस्थान से राज्यसभा चली गई हैं, बैकडोर एंट्री जिसको कहते हैं पार्लियामेंट की। और रायबरेली क्यों नहीं लड़ रही हैं, भले ही उन्होंने हेल्थ इश्यूज को सामने रखा हो, लेकिन सब जानते हैं कि वो पूरी तरीके से निष्क्रिय थी, रायबरेली जा ही नहीं रही थी। उनकी तो छोड़िए, उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा या उनके बेटे राहुल गांधी भी रायबरेली या अमेठी कितनी बार गए होंगे पिछले 5 साल में। और यही सवाल पूछा जा रहा है अमेठी को लेकर के। पिछली बार तो राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड दोनों से ही चुनाव लड़ा था, अमेठी में हार गए थे स्मृति ईरानी के हाथों, लेकिन इस बार तो अमेठी का वो नाम ही नहीं ले रहे हैं। जब ये भारत जोड़ो टू यात्रा चल रही थी तो अमेठी से होकर के गुजरे जरूर थे, 1.5 दिन उन्होंने अमेठी और आसपास के इलाके में बिताया जरूर था, लेकिन इस बार उनके लड़ने के कहीं कोई आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उनके जीजा श्री रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आता है, ANI को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और जो उनकी दबी छिपी अभिलाषा है, इच्छा रही है, कभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर के वो जुलूस निकालते थे, कभी दूसरे कर्मकांड करते थे, वो उन्होंने व्यक्त कर दी है। और ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं, और जो अंदरूनी झगड़े हैं इस परिवार के, वो भी किसी ना किसी रूप में उनके बयान से सामने आ गए हैं। क्या क्या उन्होंने कहा है और इनके मतलब क्या हैं जो कुछ उन्होंने कहा है, इस पर चर्चा करने के लिए अमेठी और रायबरेली से कौन संभावित उम्मीदवार हो सकता है कांग्रेस का, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस समय प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ये जो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है, थोड़ा सा एक तो इस पर रोशनी डालिए कि इन्होंने कहा क्या है और जो कहा है उसका मतलब क्या आप निकालते हैं। देखें ओंकार जी, हमारे आजकल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का बहुत ज्यादा इसकी आलोचना होती है, मैं खुद भी उससे बहुत प्रभावित नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में हमारे बड़े खामियां हैं, लेकिन अगर वो नहीं होता तो क्या होता है, इसके लिए आपको रॉबर्ट वाड्रा की तरफ देखना पड़ेगा। वो शायद हाई स्कूल पास या हाई स्कूल फेल है, और उनकी बातें आप सुन लें तो बस अफसोस ही होता है। और मतलब उनके बात करने का अंदाज, उनका बात का तरीका, उनकी बात की ग्रेविटी, उनके बात का जो तथ्य है, लेकिन फिर जब आपको याद आता है कि वो राहुल गांधी जी के जीजा हैं, तो फिर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, फिर तब ठीक है। तो आज वो कह रहे थे ANI को बयान में कि साहब मैं प्रियंका गांधी को पहला मौका दे रहा हूं, टाइम ना वेस्ट करें, जल्दी से सांसद हो जाएं। आप इसलिए सांसद हो जाएं क्योंकि उसके बाद मुझे भी बनना है, और मुझे बनाना सोनिया गांधी जी की जिम्मेदारी की, वो आशीर्वाद दे, मैं सांसद। आप जब बातों का अंदाज सुने, फिर आगे कहते हैं कि मुझे तो विपक्ष मतलब कांग्रेस के बाहर जो दूसरी पार्टियां हैं वो मुझसे इतनी प्रभावित है कि भाई वाड्रा जी आप तो कमाल के नेता हो, आप कहां कांग्रेस में टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप आओ, हम आपको भारी बहुमत से बना देंगे। कहां से बना देंगे, कैसे बना देंगे, छोड़िए। फिर वो कहते हैं अमेठी की जनता पछता रही है राहुल को हटा के, अमेठी की जनता एक गांधी परिवार का मेंबर मांग रही है, और गांधी परिवार के मेंबर के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। आप बात सुने, कहते हैं मैं अमेठी जाने के लिए तैयार बैठा हूं, मुझे वहां लड़ा दो, मैं पूर्ण बहुमत से जीत जाऊंगा, प्रचंड बहुमत से जीत जाऊंगा। अब ये उनकी बातों का जिस्ट है, इसमें मोटी मोटी 3-4 बातें निकली।
एक तो जी उन्होंने प्रियंका को कह दिया कि मैं तुम्हें पहला मौका दे रहा हूँ मैडम, जल्दी करो, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है। नंबर टू, मेरे पास और भी ऑफर है, केवल अपने को मत समझना है। नंबर तीन, सोनिया गांधी की जिम्मेदारी है कि उनको भी बनाए, मुझको भी बनाए, मैं उनका दामाद हूँ। हाई स्कूल पास हूं तो क्या हुआ, मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ कांग्रेस की बदौलत में जमीन खरीद बेच रहा हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं उनका दामाद हूँ। नंबर चार, बड़ी अजीब सी बात कि मुझसे लोग कहते हैं कि आप जो परेशान चल रहे हैं, आपको जो परेशान किया जा रहा है, सांसद बन जाएंगे तो परेशानी दूर हो जाएगी। तो गोया वो सांसद बनना चाहते हैं अपनी परेशानी दूर करने के लिए। मतलब इस तरह का बयान मैं आपको क्या बताऊं ओंकार जी, जिसको सुनेगा आदमी तभी इसको समझ आएगा। मैंने आज ट्वीट किया इसको, स्ट्राइक 9104 के नाम से आप जाके देखे, मैं ना जाए मेरे ट्विटर, आप ANI पे जाके देखें, ANI की साइट पे आप जाके देखें, ANI ने दो अलग अलग वीडियो दिए हैं, बल्कि उसमें रिपोर्टर्स जो थे वो ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम उनके पास पहुंच गए, क्या कह साहब आपने ऑफर दिया है क्या, वो तो कह रहे किसी और ने ऑफर दिया है, कि भैया हमने कोई ऑफर नहीं दिया है, ना हमारे पास रॉबर्ट वाड्रा की कोई परमिशन मतलब रिक्वेस्ट लेटर आई है, वो सास दामाद के बीच का मामला है वो जाए। पर आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ने ऑफर दिया होगा रॉबर्ट वाड्रा को? कौन सी पार्टी सांसद बनाने की पोजीशन में, पहले ये बताइए आप। समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो अमेठी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी एक या दो सांसदों के लिए परेशान है, बसपा जीरो पे चली गई थी 2014 में, फिर इस बार लड़ रही है। कांग्रेस का ये हाल है कि रायबरेली छोड़ के चली गई मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी अमेठी छोड़ चले गए। कल मैंने अपना एक वीडियो बनाया था, मैंने उससे पूछा था भाई, और देखिए उनके बात करने का अंदाज देखिए, उन्होंने कहा मुझे अपने माँ, फिर सुनिए, माँ बाप भाई बहन सब वायनाड में नजर आ रहे हैं अलग अलग घरों में, ये कौन सा बयान है भाई। मैंने पूछा भी कि अगर पूरा खानदान आपका वायनाड में, तो इतने साल आप अमेठी में क्या कर रहे थे साहब, तो सही आप इसे सुन। हाँ, फिर दूसरी बात, अगर आपका पूरा परिवार वायनाड में है तो अमेठी में कौन थे आपके, आपका स्टाफ था क्या, था अमेठी की जनता क्या थी, वो लोग कौन है जिनको आपकी माता जी ने कहा मेरा परिवार है, मेरा ससुराल है, वो लोग कौन थे। जब आप कहते हो कि साउथ इंडियंस को वोट डालना आता है, नॉर्थ इंडियंस को वोट डालना नहीं आता, तो किसको कह रहे हो आप, ऐसा भाग खड़े हुए आप अमेठी से झांकने नहीं आए। आप दोबारा 2022 की हार के बाद प्रियंका गांधी झांकने नहीं आई, सोनिया गांधी जो यहाँ से सांसद थी, जो 5 साल रायबरेली नहीं आई, वो भी छोड़ के चली गई राजस्थान से। पूरा मैंने तो इस पे किया है, एक वीडियो किया है अपने चैनल पे, कि गांधी पर यूपी से फरार गांधी परिवार, मैंने तो पूरा एक कल ही वीडियो किया। आप उसके बाद अब ये एक नए आ गए गांधी, एक नए गांधी आ गए साहब, अभी पहले ही वाले फर्जी गांधी थे, अब ये अब वाड्रा साहब भी गांधी बन के आ गए कि साहब वो गांधी परिवार से किसी को चाह रहे हैं, मिठियो मैं तैयार हूं सर, कमाल है। अभी पिछले दिनों जब आचार्य प्रमोद कृष्णम को निकाल बाहर किया गया, तो मोदी के समर्थन में जिस तरह के बयान उनके आए थे, निकलना ही था उनको। तो एक टीवी चैनल पर मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था कि प्रियंका वाड्रा के तो आप बड़े करीबी रहे, उनके सलाहकार रहे, उन्होंने आपको नहीं बचाया। तो प्रमोद कृष्णम का कहना ये था कि वो तो खुद ही एग्जिस्टिंग मतलब संकट से जूझ रही हैं इस समय। तो ये चौंकाने वाला खुलासा नहीं है क्या? भाई बहन के बीच में सब कुछ क्या ठीक चल रहा है? और जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा बयान दे रहे हैं, अपनी दबी हुई इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, और ये पिछले कई चुनाव से हम देख रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा बार बार इसी तरह की इच्छाएं व्यक्त करते हैं, तो परिवार के भीतर भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें ये लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इनको अनदेखा किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है, या अलग थलग किया जा रहा है, या आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। देखिए सर, दो तीन बातें हैं, मैं पहले भी एक बार आपके चैनल पे कह चुका हूँ, अभी सीधे सीधे भाई बहन के बीच की तनाव बाहर नहीं है, अभी जो तनाव बाहर आया है वो टीम राहुल और टीम प्रियंका कह के इस लड़ाई को कहा जाता है। हमेशा कांग्रेसी हलकों में आप बात करें कि राहुल की टीम और प्रियंका की टीम में झगड़ा हो रहा है, वो लोग झगड़े कैसे होंगे सर, अगर भाई बहन आपस में एकदम परफेक्ट ट्यूनिंग है तो टीम में कैसे झगड़ सकती है, आप खुद ही समझिए, पहली बात। दूसरी बात, सोनिया गांधी इटली से आती है, भारत में आती है, भारतीयों के भी अंदर एक फीलिंग रही है कि साहब लड़का ही बाप की विरासत लेगा, इटली में भी एक फीलिंग रही है कि साहब लड़का ही बाप की विरासत, वो और बड़ी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो दोनों तरफ से उनके दिमाग में ये बात है। अब ऐसे में वो चाहते हैं कि राहुल गांधी ही इस गांधी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाए,
बल्कि मैं इसमें अक्सर कहता भी हूँ, ट्वीट भी करता हूँ, कहता भी हूँ कि सोनिया गांधी की जिद ने भारतीय राजनीति को विपक्ष विहीन कर दिया। अगर सोनिया राहुल को लेकर इतनी जिद नहीं करती तो भारतीय राजनीति के पास भी एक विपक्ष होता। बहरहाल प्रियंका एक ऑप्शन है, लेकिन प्रियंका को आप सीधे सीधे एक जान के एक इतना एक 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 इम्पॉसिबल काम दे देते, जाओ पहले उत्तर प्रदेश जीत के दिखाओ फिर सोचेंगे। अब वो आती हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूँ कहती हैं, मोटरसाइकिल चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं, पुलिस से लड़ती हैं, सड़क पे लेटे, सब उन्होंने कर डाला और कितने बड़े बड़े वादे किए, आपको पूछे नहीं। जैसे वो जीत जाते तो उत्तर प्रदेश में क्या हो जाता है। एनीवेज, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब तक का निम्नतम स्तर पे चलेगी 2% वोट। फिर से समझ लें, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अपने 100 साल के निम्नतम स्तर में यूपी में चलेगी 2%। तब की जो गायब हुई है प्रियंका 2022 की, आज तक 2 साल हो गया लौट के नहीं आई। तो ये तो उन्होंने जान के प्रियंका गांधी को एक ऐसा रोल दे दिया कि चलो बेटा अब तो पहले यूपी जीत के दिखाओ, फिर हम तुमको देखते हैं तुम राहुल गांधी से बेहतर हो कि नहीं। अब उन्हें हारना ही था, वो हार गई। लेकिन ये बात प्रियंका भी समझती हैं, ये उनकी टीम प्रियंका भी समझती है, ये रॉबर्ट वाड्रा भी समझते हैं कि साहब जहां पे कर्नाटक में जीत रही हो वहां राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, और जहां यूपी में हार रहे हो वहां प्रियंका खड़ा कर देते हैं। विच इज नॉट टू से, मेरी अपनी निजी रीडिंग ये है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से कोई बहुत बेहतर नेता नहीं है। पहले अपने दिमाग में समझ लीजिए, केवल नाक का दादी से मिलना राजनीति का सबूत नहीं होता। तो ऐसे में कोई वो ऐसा नहीं कि वो आ जाएंगी तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर देंगी। आप कुछ भी कहिए, आप आई यहाँ पे लड़ी, आपने ये तक यहाँ पे अफवाह फैला दी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ सीटें पा जाऊंगी तो प्रियंका गांधी चीफ मिनिस्टर बनेगी। सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस अपने निम्नतम स्तर पर चली गई। तो भाई बहन ने कुल मिला के एक जैसा परफॉर्मेंस दिया है, और वो जो हमारे हाई स्कूल फेल जिया जी हैं वो बेचैन हो रहे हैं, यार बताओ जब प्रियंका का ही नंबर नहीं लग रहा है तो हमारा नंबर कब लगेगा। उन्होंने कहा हमने प्रियंका को पहला मौका दिया है, अगर प्रियंका नहीं हो पाएगी तो फिर मैं ही कुछ प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करूंगा। 2019 ने अमेठी ने राहुल गांधी को हराया, हरा करके बाहर भेज दिया कि आप केरल चले जाइए, यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी। इस बार जब सोनिया गांधी ने देखा कि रायबरेली में इस बार तो उनके खिलाफ भी हवा बह रही है, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है वो चाहे पांडे जी हों, चाहे अदिति हों, चाहे राकेश हों, वो सब तो अब निकल लिए और दूसरे खेमों में जा चुके हैं, तो रायबरेली की भी जो इस समय आबो हवा है उसको देखते हुए अगर सोनिया गांधी भाग खड़ी हुई हैं तो क्या उनकी बेटी वहां आकर के पहला चुनाव हारना चाहेगी? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं लगातार कहता हूं कि गांधी परिवार का कोई भी मेंबर रिस्क की सीट पे नहीं खड़ा होता। गांधी मान के चलते हैं वो हारने के लिए नहीं बने हैं, तो उनका कोई भी मेंबर ऐसी सीट पे नहीं खड़ा होता जहां पे जरा से भी रिस्क हो। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि प्रियंका गांधी एक ऐसी रिस्क की सीट से खड़ी होगी। वो तो बड़ी ठोक बजा के, आप इस तरह देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश को छोड़ती है तो उनको सबसे पहला ऑफर आता है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के पास भी राज्यसभा भेजने लायक पर्याप्त सीटें थी कि मैडम आप आइए हम आपको भेजते हैं। सोनिया ने समझ लिया कि हम मामला एकदम एकदम 100% टाइट नहीं है, और फिर आपने देखा अभिषेक मनु सिंह भी हार गए, केवल एक वोट से हार गए, एक वोट से भी नहीं हारे, वो तो लकी ड्रॉ से हारे, बराबर वोट थे लकी ड्रॉ हुआ। तो उनको लग गया सोनिया गांधी को भाई साहब यहाँ मामला थोड़ा खतरे में, तो सीधे वो राजस्थान चलेगी, सीधे राजस्थान चलेगी। तो गांधी तो वहां से लड़ते हैं जहां पे चुनाव के पहले फैसला हो जाए, जैसे वायनाड देख लीजिए जहां पे मुस्लिम और क्रिश्चियन और ये मिला के 50% क्रॉस कर जाते, या मुसलमान क्रिश्चियन मिलके 50-55% हो गए, राहुल गांधी लड़ गए 60%। तो वो एकदम ठोक बजा के लड़ने वाली सीटें, एक धोखा हो गया। अमेठी में एक बार धोखा, संजय गांधी हारे थे अमेठी में, एक बार राहुल गांधी हार गए। गांधी रोज रोज नहीं हारते ओंकार। और अनुपम जी, गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, संजय सिंह, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, रवनीत बिट्टू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, परनीत कौर, सुनील जाखड़, टॉम वड़क्कन, सुस्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल एंटनी, गौरव वल्लभ, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरेश पचौरी, अर्जुन मोडवाड़िया, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम, बॉक्सर विजेंदर सिंह, राजेश मिश्रा, बाबा सिद्दीकी, विभाकर शास्त्री, प्रमोद कृष्णम, रोहन गुप्ता,
बहुत लंबी सूची है साहब कांग्रेस छोड़ने वालों की। कांग्रेस में हो क्या रहा है, ये भगदड़ क्यों मची हुई है? जाहिर सी बात है, राजनीति में लोग आते हैं सत्ता के लिए आते हैं। मैंने हमेशा कहा है राजनीति विचारधारा की नहीं वर्चस्व की लड़ाई है, लोग सत्ता के लिए आते हैं। और चुनाव दर चुनाव ये बात साबित होती जा रही है कि राहुल गांधी नेतृत्व देने की पोजीशन में नहीं है। राहुल देखिए गांधी परिवार क्या है, गांधी परिवार लोग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अभी तक गांधी परिवार उनको वोट दिलाता था, और एक राज्य में नहीं कई राज्यों में दिलाता था, पूरे देश में दिलाता था। गांधी परिवार ने वोट दिलाना बंद कर दिया है। अब जहां पे लोग जीतते हैं अपने लेवल पे जीतते हैं, कर्नाटक में सिद्धरामैया डी शिव कुमार जीत गए, गांधी परिवार ने जीता आप देखे ना। तो तेलंगाना में ये क्या नाम है इनका जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, अरे जो नए कांग्रेस मुख्यमंत्री आए हैं रेवंती जी, रेवंत रेवंत तो आप रेवंत रेड्डी जीत गए। तो ऐसे इसने बढ़िया एक डायनेमिक कैंपेन लीड की, उन्होंने जीत गए। उनका सोनिया अम्मा की वजह से जीत गए। सोनिया अम्मा अब तक कहाँ थी भाई, अब तक कहाँ थी सोनिया अम्मा कर्नाटक में? कर्नाटक में पता चला कि सारे वो सर्वे आ गए कि साहब कर्नाटक में कांग्रेस स्वीप कर रही है, सारे देश का चुनाव छोड़ के राहुल गांधी वहां पहुंच गए। साहब जीत रही है, हमारे भरोसे जीत रही। तो बाकी जब गांधी परिवार आज की तारीख में बैगेज है, लेकिन अभी भी चूंकि विकल्प नहीं, देर अंग्रेजी में कहते टीना फैक्टर, टीना देर इज नो ऑल्टरनेटिव, यानी विकल्प के अभाव में गांधी परिवार आज भी कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व दे रहा है और ग्लू बन के कांग्रेस पार्टी को जोड़े हुए है। वरना आप इतिहास गवाह है कि कांग्रेस में जितने विघटन हुए हैं उतने विघटन शायद दुनिया के किसी पार्टी में हो। 20-25 बार पार्टी टूट चुकी है, तो A to Z जितने तरह के अल्फाबेट थे सब बन चुके। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि ये जो लोग छोड़ रहे हैं वो दो लोगों दो कारणों से छोड़ रहे हैं। एक आधे के जो वल्लभ छोड़ के आए उन्होंने क्या कहा, मुझे उनकी बात थोड़ी सी अपील की। उन्होंने कहा कि देखिए मैं साहब अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ, मैं देख रहा हूँ बड़ी मुश्किल से देश जो दिवालिया हो रहा था वामपंथी लाइंस पे चल के सोशलिस्ट बन के, उसको किसी तरह मनमोहन सिंह की सरकार ने और उसके पहले क्या नाम है नरसिम्हा राव की सरकार ने कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद के रास्ते पे डाला। मेरे मुंह पे आप पूंजीवाद के रास्ते पे चलने वाले देश को सुबह से शाम तक जो वेल्थ क्रिएटर है, जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इस देश को चला रहे हैं, जो उसको समृद्धता दे रहे हैं, जो इस देश में करोड़ों नौकरियां दे रहे हैं, आप सुबह से शाम तक गाली देते रहते हो, अडानी चोर है, अंबानी चोर है, टाटा चोर है, बिरला चोर है, क्या है? उन्होंने कहा साहब मुझे मैं घुटन हो जाएगी। मैं मान सकता हूँ कि अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर को डेफिनेटली घुटन हुई होगी, और वो कांग्रेस के जो प्रोफेशनल कांग्रेस है उसके वो लीडर भी थे। उन्होंने कई बार इस बात को कहा भी और जरूर कहा होगा, क्योंकि वहां पे भी उनको कौन सा बहुत बड़ा ओहदा मिला था जो यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखिए जब वल्लभ जैसे लोग आते हैं तो उनको वहां भी कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं था, यहाँ भी कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम बोलने को मिलेगा साहब। अब ये शहजाद शहजाद को देख ले, क्या नाम है शहजाद पूरे वाला को, ना वहां मंत्री थे ना यहाँ मंत्री है, लेकिन कम से कम अपने दिल की बात तो कह पा रहे हैं ओंकार जी। और अनुपम जी ये तो अभी प्रधानमंत्री ने भी उस पर टिप्पणी की है, जो इन्होंने एक तरह से बकवास की थी कि साहब अगर ये मैच फिक्सिंग से भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत गई और इन्होंने संविधान को ख़त्म या परिवर्तित करने की कोशिश की तो पूरे देश में आग लग जाएगी। मतलब 10 साल सत्ता से बाहर रहने से इतने पगला गए हैं कि देश में आग लगने की बात करने लगे हैं। पहली बात नहीं कर रहे हैं ओंकार जी, पहली बात नहीं कर रहे हैं। यूरोप में कह के आए थे कि पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ, बस सलाई दिलकाने की देर है, और उसके उनके ये कहने के एक हफ्ते के अंदर मणिपुर हो गया। जब भी देश से बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसी कांड होता है। इलाज क्या है ऐसे लोगों का? क्या 2024 के बाद नतीजे आने के बाद तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद कुछ आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो भी लोग देश विरोधी बयान देते हैं या समाज में टकराव के हालात पैदा करते हैं इनके इलाज के लिए कुछ करेंगे मोदी? मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार, नरेंद्र मोदी तीसरी बार और अच्छे बहुमत से सत्ता में आएंगे तो इनमें से ज्यादातर लोग का तो हौसला ही टूट जाएगा, हौसला ही टूट जाएगा। इनके बैकर्स नहीं बहुत बचेंगे, इनको बैक करने वाले, इनको फंड देने वाले, इनका नेतृत्व मानने वाले, इनके पीछे चलने वाले, सोशल मीडिया पर इनकी ढपली बजाने वाले, जुडिशरी में जो इनके वो शुभेच्छु हैं
जो मीडिया में इनके शुभेच्छु हैं सबके सब कहीं ना कहीं बैकआउट कर जाएंगे, कह देंगे भाई इनके बस का नहीं है। बाकी तो साहब वो जॉन एलिया का एक शेर है, आपने पूछा इलाज क्या है, तो उसने लिखा था कि इलाज यह है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, ओसियन नेटवर्क से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। नमस्कार।